जहां आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जावा वर्सेस पाइथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं डे वन से आपको बोलता हूं, जो जावा को बाकी लैंग्वेज से अलग करता है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई इट इज फास्टर देन पाइथन। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट यूजेस इट कंपाइलर राइट, बट इट इज स्लोअर देन जावा। अभी हमने डिस्कस किया जावा यूजेस इन द एरिया लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग राइट। व्हाइल द अगर हम पाइथन के एरियाज की बात करें तो पाइथन इज नो डाउट देयर आर कॉमन एरियाज जो जावा और पाइथन में कॉमन है, लाइक वेब डेवलपमेंट। पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर हम जावा में वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विल गो फॉर सर्वलेट, जेएसपी कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग राइट। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट इन पाइथन, तो हम बात करते हैं जेंगो एप्लीकेशंस की, डी जेंगो एप्लीकेशंस की राइट। टाइप्ड लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज मींस वंस यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल फॉर एनी अनदर टाइप। व्हाइल इन जावा इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब रन टाइम पे आपका वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकता है, अपना टाइप चेंज कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज स्लोअर। क्योंकि रन टाइम पे जब टाइप चेंज होगा तो वो टाइप चेंज होने में, कन्वर्ट होने में टाइम भी लेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज स्लोअर एज कंपेयर टू जावा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, जावा वर्सेस पाइथन। बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार जब हम लैंग्वेज सिलेक्ट करने की बात करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पाइथन को सिलेक्ट करें या जावा को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपने अभी जावा सिलेक्ट किया है तो थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं इसको पाइथन के साथ, क्योंकि ये दो लैंग्वेज ऐसी हैं जिनके ट्रेंड अप डाउन होते रहते हैं। नो डाउट बोथ आर टॉप 5 लैंग्वेजेस, लेकिन समटाइम्स जावा इज अप, समटाइम्स पाइथन इज अप। तो यहां पर आज बात करते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, दो लैंग्वेज अगर अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर एंड लॉट ऑफ सिमिलरिटीज आर ऑल्सो देयर राइट। लेकिन यहां पर आज हम बात करते हैं कि बॉस किन एरियाज में जावा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है राइट, और किन एरियाज में पाइथन वीक है। ओके, तो यहां पर आज हम बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ जावा एंड पाइथन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं डे वन से आपको बोलता हूं, जो जावा को बाकी लैंग्वेज से अलग करता है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट होने का मतलब यह है कि बॉस ईच एंड एवरीथिंग इन जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सीधी सन, हमने पहले भी बात की है कि बॉस देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, 3 टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं। या तो हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां कोई क्लास नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, लाइक सी राइट। एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इनहेरिटेंस को छोड़ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाकी फीचर्स को सपोर्ट करता है, लाइक विजुअल बेसिक, वीबी, है ना, वीबी डॉट नेट नहीं, वीबी। और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन यहां पर अगर हम जावा की बात करें, सो एवरीथिंग इन जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाइल पाइथन इज जस्ट लाइक C++ राइट। मतलब नॉट इन द फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हम बोलते हैं C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। सिमिलरली पाइथन ऑल्सो सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मतलब इनिशियली जब हम पाइथन को शुरुआत करते हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में तब शुरू होता है एटलीस्ट 15-20 डेज के बाद। शुरुआत में जो पाइथन पढ़ी जाती है, इट इज कंप्लीटली अ प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्मेट पाइथन। देयर इज नो नीड टू क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, नो नीड टू वरीड अबाउट दैट थिंग, बिकॉज़ पाइथन सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट राइट। व्हाइल जावा इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हिच इज एन स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ जावा, यू कैन से दैट। ओके, सेकंड, इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना। अभी हमने जावा के कोड एग्जीक्यूशन की बात की है, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि जावा का कोड कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। व्हाइल अगर हम पाइथन की बात करें तो इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखिए, अब जावा और पाइथन में कोड एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा समझिए। जब हम जावा का कोड लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज सोर्स कोड। ये सोर्स कोड सबसे पहली स्टेप में कंपाइल होता है, मतलब जावा के प्रोग्राम को हम दो स्टेप में एग्जीक्यूट करते हैं। कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर इस बाइट कोड को सेकेंड स्टेप पे हम JVM को देते हैं, और JVM इसको रन करके मुझे
आउटपुट शो करता है. दैट इज व्हाट द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम. इट इज कॉल्ड डॉट क्लास फाइल एंड दिस इज कॉल्ड डॉट जावा फाइल. तो यहां पर आप देखिए, वी कैन यूज कंपाइलर ऑल्सो एंड इंटरप्रेटेटर ऑल्सो. और दो स्टेप में आपका प्रोग्राम चल रहा है. पहली स्टेप में ये कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये बाइट कोड हम JVM को देते हैं. इस प्रोसेस के लिए हम जावा सी कमांड को यूज करते हैं और इस प्रोसेस के लिए हम जावा कमांड को यूज करते हैं. अगर हम दोनों को अलग अलग एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो, वाइल अगर हम पाइथन की बात करें, सो द पाइथन कोड इज जस्ट लाइक दैट. ठीक है, पाइथन में हम क्या करते हैं, वी कैन राइट सोर्स कोड. ठीक है, ये सोर्स कोड जिसका एक्सटेंशन होता है .py. ठीक है, ये सोर्स कोड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस सोर्स कोड को हम यहां पे कंपाइल और इंटरप्रेटेड, मतलब यहां पर आपका कोड दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है. रिमेंबर, पाइथन का प्रोग्राम जब रन होता है तो ये साइमल्टेनियसली कंपाइल भी हो रहा है, वो भी इसलिए बिकॉज लेटर ऑन पाइथन एडेड जिट कंपाइलर, अदरवाइज इट इज एन इंटरप्रेटेड कोड. राइट, तो कंपाइल एंड इंटरप्रेट, ये जो कॉन्सेप्ट है आप समझिए कि पाइथन इंटरनली यूजेस जिट कंपाइलर, बट वन टाइम साइमल्टेनियसली दिस टास्क इज इंटरनली परफॉर्म्ड एंड दिस कोड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड. नो डाउट पाइथन आल्सो कन्वर्टेड बाइट कोड, बट इट इज डॉट पीवाईसी फाइल. जैसे यहां डॉट क्लास फाइल होती है, वहां पे डॉट पीवाईसी फाइल होती है. बट इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब इंटरनली जावा लेटर ऑन एडेड जिट कंपाइलर, बट मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ जावा इज इंटरप्रेटेड. एंड दैट इज व्हाट, जब कंपाइलर यूज होता है जिट कंपाइलर, तो बोथ द थिंग्स एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, वो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. वहां पर आपको दो स्टेप परफॉर्म नहीं करनी है कि पहली स्टेप में आपका प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर यू कैन कन्वर्ट इनटू मशीन कोड साइमल्टेनियसली. तो जावा के बारे में हम यही बोलते हैं, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. राइट, और अगर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको, ये यहां पर जो मैंने आपको बताया अभी, समझिए थोड़ा सा ध्यान से. मतलब नो डाउट फॉर, मतलब क्या हुआ, देखिए आप, एक लैंग्वेज अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो वो क्या करेगा, कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है स्लो होगा. तो इस ड्रॉबैक के कारण जावा पाइथन लेटर ऑन एडेड जिट कंपाइलर, पर जिट कंपाइलर साइमल्टेनियसली कोड एग्जीक्यूट कर रहा है. यहां पर क्या होता है, पहले कोड कंपाइल हुआ, बाइट कोड में ट्रांसलेट हुआ, फिर बाइट कोड को हम रन करते हैं, JVM को कॉल करते हैं, एंड देन योर प्रोग्राम विल डिस्प्लेस द आउटपुट. व्हाइल इन पाइथन नॉट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. एंड दैट इज द रीजन, मल्टीपल रीजन है, बट दैट इज द वन ऑफ द रीजन जावा इज फास्टर. मैंने देखिए फास्टर लिखा है, कंपेरिजन अगर हम करें पाइथन से तो जावा इज फास्टर एज कंपेयर टू पाइथन, व्हाइल पाइथन इज स्लोअर एज कंपेयर टू जावा. ये जावा का यूनिक फीचर है कि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कंपेयर करें तो जावा एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूट फास्टर बिकॉज इट इज अ कंपाइल्ड कोड, इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. राइट, व्हाइल इंटरप्रेटेड होने के कारण जो पाइथन कोड है इट इज स्लोअर एज कंपेयर टू जावा. एंड देयर आर अनदर रीजंस, जो नेक्स्ट रीजन है वो ये वाला, देखिए आप फास्टर स्लोअर की बात करें तो पहले मैं ये वाले रीजन को समझाता हूं. स्ट्रांगली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड. Strongly typed और dynamically typed का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जावा में जब आप किसी वेरिएबल को यूज करोगे, है ना, मान लो अगर एक वेरिएबल में मुझे डेटा स्टोर करना है, सो कंपल्सरी स्ट्रांगली मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. आई नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल लाइक सी एंड सी प्लस प्लस. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज कंपल्सरी एंड वंस आई डिक्लेयर दिस वेरिएबल आई कैन नॉट असाइन एनी अनदर वैल्यू इन दैट. कि मैं रन टाइम पे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसमें हेलो लिख दूं जावा में, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, कि मैंने इसमें हेलो लिख दिया, ओके, या मैंने फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा सोचा कि यार इसमें मैं लिख देता हूं कोई डबल वैल्यू 20.19, दैट इज नॉट पॉसिबल. वंस यू डिक्लेयर द वेरिएबल इंटीजर, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन जावा. एंड दैट इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज. स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब होता है जो अपने टाइप पे फिक्स्ड है, जो अपने टाइप पे स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड है, कि आपने इंटीजर डिक्लेयर किया, दैट मीन्स इन द कंप्लीट प्रोग्राम नाउ दिस वेरिएबल ओनली स्टोर द इंटीजर वैल्यू. इसको ऐसा नहीं कर रहा है कि रन टाइम पे ये वैल्यू चेंज करेगा. लेकिन आप देखो पाइथन में क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड मतलब अगर आपने लिखा a इक्वल टू 100 और अगर आप इस a का टाइप देखोगे तो इट इज एन इंटीजर. लेकिन लेटर ऑन अगर मान लो मैं लिख देता हूं a इक्वल टू हेलो, सो इंटरनली आपका प्रोग्राम इसको इंट से कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में. ठीक है, फिर अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू सपोज ट्रू, तो आपका प्रोग्राम इसको कन्वर्ट कर देगा बूलियन में, बुल में. मतलब जैसे जैसे आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल का टाइप बदल रहा है. लेकिन ध्यान से सुनना, डायनेमिकली टाइप्ड है ये, स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, लेकिन इस डायनेमिकली टाइप्ड के कारण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना.
क्योंकि आपका प्रोग्राम इंटरनली एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेगा, और अगर कन्वर्ट करेगा तो टाइम तो लेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन पाइथन इज स्लोअर एज कंपेयर टू जावा, बिकॉज इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड एंड इट इज एन स्ट्रिक्टली टाइप्ड। कि वंस यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, ये कोई टेंशन ही नहीं कि उसको ये चेंज करना है, आप लिखो हेलो, वो सीधे एरर फेंक देगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई जावा इज फास्टर देन पाइथन। दो रीजन है, वन इट इज अ कंपाइल्ड व्हाइल इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एंड सेकेंड इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब रन टाइम पे जब टाइप बदलता है तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम लेगा, एंड इट इज एन स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। कि आपने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो इसका जो टाइप है वो फिक्स्ड होगा पूरे ब्लॉक में, जिस भी ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर किया है। ओके, ब्लॉक चेंज होगा देन दिस इज अ डिफरेंट मैटर, बट विदाउट डिक्लेरेशन यू कैन नॉट यूज एनी वेरिएबल इन जावा। गॉट इट? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर फास्टर और स्लोअर की बात करें। सेकंड, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप बोलोगे सर ये एक जैसे, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं मैं। इन जावा वी हैव टू फॉलो, देखिए आप हमेशा मैं बोलता हूं बस रूल्स फॉलो करना कई बार सही भी होता है ना, कई बार नहीं हर बार सही होता है। तो जावा इज हैविंग सर्टन रूल्स कि एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेट विद सेमीकॉलन, हर स्टेटमेंट को आपको सेमीकॉलन से टर्मिनेट करना है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ली ब्रैकेट कि अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया देन यू नीड टू क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ये जावा के अपने कुछ रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्रामिंग में रूल्स को फॉलो करना है कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है देन यू हैव टू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, सेमीकॉलन इज कंपल्सरी। ओके, सो बट दिस टाइप ऑफ रूल्स इज नॉट इन पाइथन। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ली ब्रैकेट। वहां पर इंडेंटेशन यूज होता है, मतलब यदि मैंने ऐसा लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी देन देयर इज नो कर्ली ब्रैकेट, आई हैव टू फॉलो इंडेंटेशन, मुझे इंडेंटेशन फॉलो करना है। जबकि हम जावा में वी कैन यूज दिस कर्ली ब्रैकेट कि अगर मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी देन आई नीड टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट, एंड हियर वी हैव टू यूज इंडेंटेशन। देयर इज नो सेमीकॉलन कॉन्सेप्ट इन पाइथन, स्टेटमेंट टर्मिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड सेमीकॉलन, अगर आपने लगा दिया तो दैट इज एन एरर, व्हाइल इन जावा एवरी स्टेटमेंट मस्ट कंपल्सरी विद सेमीकॉलन। ओके, नो डाउट इन सम सेंस पाइथन इज बेटर दैट, कि बॉस अगर कोड एग्जीक्यूशन की बात करें, कोड राइटिंग की बात करें, तो जावा का अपना एक थोड़ा सा कोड है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फॉर अभी मैं कोडिंग पे आऊंगा तो भी तो हम बात करेंगे दैट वी हैव टू राइट अ क्लास कंपल्सरी बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन इनसाइड वी हैव टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, मतलब दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, वी कैन नॉट से दैट इट इज एन हैजल, इट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, राइट? ये जावा का अपना एक स्ट्रक्चर है एंड हियर यू हैव टू राइट द कोड, व्हाइल दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन। अगर आप सीधे पाइथन के आईडीएली को ओपन करेंगे यू कैन जस्ट राइट प्रिंट हेलो, सो दिस हेलो विल प्रिंट ऑन योर स्क्रीन। There is no need to use any structure. कोई स्ट्रक्चर नहीं है डायरेक्टली, there is no main return, कोई main लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट प्रिंट हेलो, प्रिंट हाय, प्रिंट बाय, डायनेमिकली टाइप्ड है, स्ट्रक्चर नहीं है। वाइल जावा इज हैविंग देयर ऑन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें जावा में कोड लिखना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, की इट्स नॉट, मतलब पाइथन डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर, वाइल पाइथन सॉरी वाइल जावा इज हैविंग देयर ऑन स्ट्रक्चर। अगर हमें हेलो भी प्रिंट करना है तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्ट्रक्चर इन जावा, वेल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी डू नॉट फॉलो इन पाइथन। तो यहां पर अपना एक स्ट्रक्चर है, एक रूल्स है, रूल्स डिफाइंड है, स्टैटिकली टाइप्ड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रीजन व्हाई जावा, सॉरी दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा एज कंपेयर टू पाइथन। अगर हम जावा को पाइथन से कंपेयर कर रहे हैं सो वील जस्ट टॉक अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? देर आर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ये तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, बट यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट जावा यूजेस इन द एरिया लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग, राइट? वाइल द अगर हम पाइथन के एरियाज की बात करें तो पाइथन इज नो डाउट देर आर कॉमन एरियाज जो जावा और पाइथन में कॉमन है, लाइक वेब डेवलपमेंट, पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर हम जावा में वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विल गो फॉर सर्वलेट, जेएसपी कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग, राइट? बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट इन पाइथन तो हम बात करते हैं जेंगो एप्लीकेशंस की, डी जेंगो एप्लीकेशंस की, राइट? लेकिन पाइथन इज वेल नोन करेंटली इन मार्केट फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस एप्लीकेशन। अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो पाइथन इज मच सुटेबल, और उसका रीजन है, देखिए आप कोई भी लैंग्वेज किस एरिया में सक्सेस है ये बताती है उसकी लाइब्रेरी का सपोर्ट, कि किस तरीके की लाइब्रेरी
कोई जावा सपोर्ट करती है, जावा, आप देखिए दोनों के अपने अपने एरियाज हैं। पाइथन कैन नॉट बी यूज, पाइथन इज नॉट सक्सेस इन मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाइल जावा इज गॉट अ ह्यूज सक्सेस इन मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड इज एन एग्जांपल फॉर दैट। तो अपने अपने एरियाज है, पाइथन इज सक्सेस इन, राइट नॉट सक्सेस इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, राइट, बट जावा इज नॉट दैट मच सक्सेस इन दैट एरिया, बट इन फ्यूचर जावा इज ऑल्सो गेटिंग द लाइब्रेरीज फॉर दिस पर्पज ऑल्सो। तो जबकि अब दोनों के अपने अपने एरिया है, वेब डेवलपमेंट दोनों में कॉमन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों में कॉमन है, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यहां भी डेवलप करते हैं, ठीक, यूजिंग किंटर वील डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन पाइथन, यूजिंग स्विंग्स वी डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा, कर इट। मोबाइल एप्लीकेशन नॉट एट ऑल द एरिया ऑफ पाइथन, बट मोबाइल एप्लीकेशन इज द मेजर एरिया ऑफ जावा, एंड्रॉइड। So these are the embedded system, but there is not much use of embedded system. Python is not used much in embedded system. तो areas दोनों के अपने अपने हैं, data science, machine learning, rich area है Python का right now because it's library support. And Java का जो rich area है वो ये है mobile application, enterprise application, embedded system, gaming application. Gaming तो खैर हम Python में भी, you can also use gaming application in Python. So both languages is having their own pros and cons, on plus, on minus. तो हम ये अगर बात करें comparison की तो हम ये बोलते हैं these are the major areas जहां पे हम Python को compare करते हैं Java के साथ। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं, बात हम कर रहे हैं Java versus Python के बारे में जो हमने की अभी। तो मैंने आपको जो major differences बताए, it is a object oriented while it is both procedure and object oriented. Well, Java is a completely object oriented based language, right? The structure of Java is based on object-oriented programming. That is what the important feature of Java. Then, it is both compiled and interpreted language, and that's why it is faster than Python. It is an interpreted language. It uses JIT compiler, right? But it is slower than Java. अभी हमने discuss किया. Statically typed language, मतलब strictly typed language है. Strictly typed language. Statically typed language, मतलब strictly typed language. Means, once you can declare the variable of type integer, you cannot use that variable for any another type. While in Java, it is a dynamically typed. Dynamically typed मतलब run time पे आपका variable value change कर सकता है, अपना type change कर सकता है. And that is the reason it is slower. क्योंकि run time पे जब type change होगा, तो वो type change होने में, convert होने में time भी लेगा. So that's why it is slower as compared to Java. Okay, and then strongly typed, dynamically typed. ये भी हमने यही बात की. और सेकंड मैंने आपको जो स्ट्रिक्टली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड का रीजन बताया था कि जावा के अपने कुछ रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स लाइक कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी रिक्वायर्ड, व्हाइल पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, एवरी स्टेटमेंट इन जावा इज टर्मिनेट विद सेमीकोलन, व्हाइल सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉट इन पाइथन। जावा इज हैविंग देयर ओन स्ट्रक्चर, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, कि आपको क्लास कंपलसरी लिखना है, मेन लिखना है, बट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इन पाइथन। ओके, एंड देन द एरिया जहां पर हमने बात की कि जावा किन एरियाज में यूज हो रही है, लाइक वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, दिस आर द मेजर एरिया ऑफ जावा, व्हाइल पाइथन इज सक्सेस राइट नाउ इन द एरिया ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो ये भी हमने बात की दो मेन एरियाज, जो मेन लैंग्वेजेस जो कि आज टॉप 5 लैंग्वेजेस में अप डाउन होते हैं, एंड दैट इज जावा एंड पाइथन। तो नो डाउट जावा इज ऑल्सो, जावा इज वन ऑफ द फैंटास्टिक लैंग्वेज टू वर्क विद द एरिया जो भी हमने बात की है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, और यदि कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।